नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। एनडीए में कलह है, यह कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। कैसे कलह है यह भी वो बताते हैं। इस वीडियो को सुनिए और आप समझ जाइएगा कि किस प्रकार से एनडीए के बीच में अभी कलह है। ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और मुझे आश्चर्य लग रहा है कि पहले कभी भी एनडीए का कैंपेनिंग अलग अलग पार्टियां कर रही हैं। पहली बार 2010 में ज्वाइंट कैंपेन चला था, इस चुनाव से पहले लगातार एनडीए का ज्वाइंट कैंपेन चला था। इस बार बीजेपी का अलग कैंपेन चल रहा है और नीतीश कुमार जी का अलग कैंपेन चल रहा है। नीतीश जी के कार्यक्रम में किसी बीजेपी का नाम तक, एनडीए का जिक्र तक नहीं होता है, ना किसी का फोटो लगाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ना मुख्यमंत्री का चेहरा लगाती है, ना एनडीए का उसमें जिक्र होता है। आप याद कीजिएगा, लोकसभा में ही जॉइंटली सब कुछ हुआ था, लगातार फोटो लगे थे, एनडीए का अलायंस का नाम लिया गया था, लेकिन ये लोग तो अलग अलग, आप देख रहे हैं, अलग अलग कैंपेन चला रहे। ऐसा लग ही नहीं रहा कि एक अलायंस का मुहिम चल रहा है, बल्कि अलग अलग पार्टियों का अलग अलग मुहिम चल रहा है। ये कैंपेन आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल रैली की, क्या हश हुआ हम लोगों ने भी देखा, लेकिन वहां कहीं भी बीजेपी का नाम निशान नहीं था। बीजेपी जो कार्यक्रम कर रही है उसमें नीतीश कुमार जी का नाम निशान नहीं है, न एनडीए का। तो ये तो साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। जनता इनको सबक सिखाएगी, मन बना के रखी है। और बड़ी चालाकी नड्डा जी ने किया है कि नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, लेकिन ये नहीं बोला है कि बिहार के चुनाव के परिणाम के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। नेतृत्व में लड़ना और बिहार का मुख्यमंत्री होना चुनाव के बाद, ये अलग अलग बातें हैं। अगर नड्डा जी हैं तो यहाँ साफ करें कि बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप बोलिएगा कि भाई नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नेतृत्व में चुनाव लड़ना और चुनाव के बाद बिहार का मुख्यमंत्री होना, बड़ा अंतर। नीतीश कुमार भी दिखाई दे रहे थे, नरेंद्र मोदी भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन 2020 विधानसभा के चुनाव में अभी तक एनडीए से यह देखने को मिल रहा है कि जो जेडीयू का बैनर है उसमें नीतीश कुमार और जेडीयू के नेता दिखाई देते हैं, जबकि बीजेपी के बैनर पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अन्य बीजेपी के नेता दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई भी ज्वाइंट कैंपेनिंग जो है एनडीए की वो नहीं चल रही है, जो ईश्वर इशारा कर रही है कि शायद अभी भी एनडीए में खटपट चालू है। देखना होगा कि जिस तरह से आज जेपी नड्डा और नीतीश कुमार के बीच में बैठक हुई है तो क्या कुछ सीटों को लेकर जो मसला था वो सुलझा है, क्या एनडीए अब पूरी तरह से एकजुट है क्या, यह देखने वाली बात होगी। आगे चलकर इस पर जानकारी प्राप्त होगी। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी भी जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।